हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सा GK भी डिस्कस करते हैं जो कि आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपसे पूछे थे। इनके आंसर आपको कमेंट करके देने थे। पहला क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, ये आपको बताना था। सिंपल सा था, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। मैंने पूछा था पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सही आंसर ऑप्शन ए वाला है एनी बेसेंट। यहाँ पर से सरोजनी नायडू तब होगा जब मैं आपसे पूछूंगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर ये पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू, और सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाता है पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट होगा। कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था, इसको करेक्ट जो है सही कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसमें भी जो है काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया था कि पाई दिवस कब मनाया जाता है। गलत आंसर इसलिए क्योंकि आप लोग वीडियो सही से देख ही नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं। सिंपल सा आंसर था 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को मैंने क्यों कहा था कि 14 मार्च को मनाया जाता है, पाई का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो होती है 3.14, यानी कि तीसरा महीना 14वां दिन, यानी कि 14 मार्च। सिंपल था फिर भी गलत बताया। अब शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संतोष झा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। संतोष झा को अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। फिलहाल में इनकी नियुक्ति हो गई है, जो है यहाँ पर ज्वाइन कब करेंगे ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इनकी नियुक्ति हो गई है। वर्तमान में ये वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के उप प्रमुख हैं। याद रखिएगा कि संतोष झा 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा है सोम। यहाँ पर से राजधानी और मुद्रा एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सीधे चलते हैं उज्बेकिस्तान और दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है। ये अपना इंडिया है और ये जो पूरा दिख रहा है आपको मैप में, ठीक है, ये उज्बेकिस्तान है। रेड कलर में बाउंड्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको अगर हम जूम करेंगे तो कुछ इस टाइप का ये दिखाई देता है और इसकी जो राजधानी है वो है ताशकंद, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए साइट में जो है यहाँ पर तजाकिस्तान भी आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किए गए ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2019 का शीर्षक यानी कि टाइटल क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि हेल्थी प्लेनेट हेल्थी पीपल। ये जो है इस जो ये रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2019, उसका ये टाइटल है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें दुनिया भर में पर्यावरण प्रदूषण के कारण हर साल 90 लाख लोगों की मौत हो जाती है ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये जो रिपोर्ट है, आपको पता ही होगा कि पर्यावरण से संबंधित जो क्या नुकसान हो रहे हैं, पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहे हैं, और जो हम नुकसान कर रहे हैं पर्यावरण को उसकी वजह से हमको क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में जो है इस रिपोर्ट में विस्तृत तरीके से लिखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार साफ पानी का अभाव होने के कारण हर साल 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केनिया में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं जायसी मुसैया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी याद होना चाहिए, इनका नाम याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन है और मुख्यालय कहाँ है इसका। यहाँ पर से मैं आपको बता दूँ, मैं अभी आपको नैरोबी नहीं ले जाऊँगा, एक और क्वेश्चन है केनिया का, तो तब जो है हम लोग मैप में देखेंगे नैरोबी, ठीक है। इसी वीडियो में देखिए जो टाइटल मैंने आपको बताया है इस रिपोर्ट का, किस रिपोर्ट का, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हेल्थी प्लेनेट एंड हेल्थी पीपल, ठीक है, एंड नहीं है बीच में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपने महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है विंग्स लॉन्च किया है, ठीक है, घोषणा की है बेसिकली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने विंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है। एक प्रोग्राम है जो भी इसकी जो महिला कर्मचारी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए इसने ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। बेसिकली इस प्रोग्राम के माध्यम से जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं इस अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उन महिलाओं को जो है पूछा जाएगा क्या करना चाहती हैं लाइफ में, और उस जो भी वो करना चाहती हैं
किस तरीके से जो है उनको सक्सेस बनाया जाए उस फील्ड में जिसमें वो जाना चाहती हैं, उसके लिए जो है काम किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये अबीबा लाइफ इंश्योरेंस के सी डिवीज़न पहल का हिस्सा है। सी डिवीज़न बेसिकली 2016 में शुरू की थी अबीबा लाइफ इंश्योरेंस ने, तो उस वक्त जो है मतलब मेन उद्देश्य इसका यही था कि महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाए हर क्षेत्र में, उसके लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो उसी डिवीज़न का एक हिस्सा है ये। अबीबा लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें हम, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। मैं भारतीय मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, अगर इसका वैसे इंटरनेशनल मुख्यालय देखा जाए तो लंदन में है इसका मुख्यालय। ओके, और इसके जो MD और CEO हैं भारतीय है। ठीक है, अबीबा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके जो CEO हैं वो हैं ट्रेवर बुल। ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों ही पॉइंट अच्छे से आपको पता होना चाहिए, यही दो आप जो आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक यानी कि द बेस्ट डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर 2019 के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि कैंट आरो को कह सकते हैं सबसे बेस्ट जो है वाटर प्यूरिफायर चुना गया है 2019 के लिए। तो इसी यहाँ से ध्यान रखिएगा, RO प्लस UV प्लस UF तकनीकी के लिए जो है इसको ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा कि जो पुरस्कार इसको मिला है ये जल संसाधन मंत्रालय, गंगा कायाकल्प और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप से जो पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैंट आरो को वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर 2019 चुना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। ओके, सो आपको इसी जहाँ से पता होना चाहिए, इससे पहले भारत में 2017 में इस जो फीफा की तरफ से जो विश्व कप होता है पुरुष विश्व कप, उसका आयोजन किया गया था अंडर 17। तो उसके बाद जो 2017 के बाद यह हमारे यहाँ दूसरा आयोजन है फीफा की तरफ से होने वाला। ठीक है, तो इसी जहाँ से ध्यान रखिएगा, फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो यहाँ से आपको ये दोनों ही पता होने चाहिए, इनका अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा और फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में नमस्ते थाईलैंड उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। नमस्ते थाईलैंड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, थाईलैंड यहाँ ऑप्शन में है, थाईलैंड सही ना कर दीजिएगा, नई दिल्ली इसका सही आंसर है। और इसका क्यों है कि मतलब इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में पहले से ही जो है संबंध काफ़ी मजबूत हैं, और इधर कुछ टाइम से देखने को मिला है कि भारत के संबंध थाईलैंड से और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो ये तीसरा संस्करण है दोनों देशों के बीच में इन संबंधों को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो यही है इसका उद्देश्य। 15 मार्च से शुरू हो चुका है, 15, 16 और 17 3 दिन ये चलने वाला है। अगर बात करें कि इसका आयोजन कर कौन रहा है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन रॉयल थाई दूतावास की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, रॉयल थाई एम्बेसी की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में GST काउंसिल के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री हैं और इन्हीं को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। बेसिकली ये जो पुरस्कार है ये GST काउंसिल को दिया गया है, लेकिन अरुण जेटली जी जो है GST काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो इसलिए जो है ये अवार्ड इन्होंने रिसीव किया था। इनको ये अवार्ड दिया था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, तो काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो है कांग्रेस के हैं और अरुण जेटली जी जो है BJP के हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है काफ़ी ये न्यूज़ में भी है। तो याद रखिएगा कि ये पुरस्कार किसको दिया गया, ये जो पुरस्कार है ये मीडिया ग्रुप हिंदू बिजनेस लाइन की ओर से इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। ये देखिए, ये आपको देख रहे होंगे, ये हैं मनमोहन सिंह जी और ये हैं अरुण जेटली जी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4वां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन 11 मार्च से 15 मार्च तक कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि नैरोबी। नैरोबी केन्या की राजधानी है और यहीं पर 11 मार्च से 15 मार्च तक यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली का आयोजन किया गया था। तो इसी यहाँ से ध्यान रखिएगा, इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या थी, सभा की कर लीजिए यहाँ पर, तो इसकी थीम थी इनोवेट सोल्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, तो आपको इस चीज़ यहाँ से पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, थीम आपको पता होनी चाहिए कि इस वर्ष के लिए जो ये असेंबली थी इसकी थीम क्या रखी गई थी। ठीक है, चलिए,
इसके बाद यहाँ पर से हम देखिए, आप मैंने आपको बताया था कि एक और क्वेश्चन है, उसमें दिखाऊंगा मैं आपको केनिया। तो ये अपना इंडिया है और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है केनिया। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसकी राजधानी नैरोबी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में किस देश की 2 मस्जिदों में हुए आतंकी हमले में 49 लोगों की मौत हो गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत मिलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि न्यूजीलैंड में, 2 मस्जिदों पर जो है एक आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले में 49 लोगों की जो है मौत हो गई है। बेसिकली जो है इनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, अल नूर मस्जिद और लीन उड मस्जिद, ठीक है। तो ये 2 मस्जिदें हैं, एक धर्म विशेष को लेके जो है, जो मतलब अपराधी पकड़ा गया है, एक धर्म विशेष के प्रति जो है उस बहुत ज़्यादा नफरत है उसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा जो है लाइव उसने फेसबुक पे लाइव आके इस पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया है। हालांकि उसकी पहचान अभी बाहर नहीं निकाली गई है, लेकिन उसको पकड़ लिया गया है, ठीक है। हमले में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बाल बाल बचे, वो जो बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी थे तो वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे, तो उसी दरमियान जो है ये हमला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेपी डुमनी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जेपी डुमनी और इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इसी जहाँ से ध्यान होना चाहिए, इन्होंने कहा है कि इंग्लैंड में होने वाले जो अगला जो विश्व कप है उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। इससे पहले 2017 में ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और फिलहाल में T20 मैच जो होते हैं उसमें ये खेलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर साफ देख रहे होंगे यही हैं जेपी डुमनी जिन्होंने कि संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इनका नाम याद रखिएगा। आज के सिर्फ 10 क्वेश्चन, अब बारी है आपके लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। बताइएगा, सिंपल ही है, क्या है कि किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, कमेंट करके बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का पता कब चला, ओजोन छिद्र का पता कब चला, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि हाल ही में IPL के अगले चरण दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किससे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। कल ही का क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली वहाँ से ले लिया है, तो आप लोग इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किसे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो शेयर करिए और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।